गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू आवर मैथ सेशन. स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1. ओके, सो रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड इलस्ट्रेट यूजिंग अ प्लेस वैल्यू चार्ट. तो हमें क्या करना है, ये जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं ना, वो रीड करने हैं और वो प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, ये जो डिजिट्स है हर एक नंबर के, वो प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने हैं. ओके, सो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, सो फर्स्ट आपको आपकी मैथ्स की नोटबुक देनी लेनी है. फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लास वर्क, देन यू हैव टू राइट डेट, टॉपिक नेम, एक्सरसाइज 1.1. ओके, सो आप क्या करो स्टूडेंट्स, आप ऐसे प्रॉपरली कॉलम्स अरेंज कर लो, मतलब आपको ये क्वेश्चन सिंपल जाएगा इजी करने में, है ना. होल पेज लो और होल पेज पे प्रॉपरली आपको क्या करना है, ये कॉलम्स ड्रॉ करने हैं. देखो यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया है, पीरियड्स के अकॉर्डिंग हमें लिखने हैं प्लेस वैल्यूज़. तो मैंने पहले वंस पीरियड, फिर थाउजेंड पीरियड, फिर लैक्स पीरियड, करोड़ पीरियड्स लिखे हैं. बाद में नीचे हमारा वंस पीरियड में कितने प्लेसेस आते हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, वो लिखा है. देन सेकेंड पीरियड में थाउजेंड प्लेस एंड टेन थाउजेंड प्लेस आता है, वो लिखा है. थर्ड पीरियड में लैक्स और टेन लैक्स का प्लेस आता है, वो लिखा है. और फोर्थ में करोड़. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट नंबर क्या है, ये है. तो ये क्या हुआ है, कॉमाज ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कॉमाज के द्वारा सेपरेटेड हो गया है ना. सो हमें रीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख देंगे. तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है, वन, देन टू, देन फाइव, देन थ्री, देन थर्ड वन, देन टू, देन सेवन एंड एट. ओके, तो हमने ये नंबर लिख दिया. तो अब हम इसकी रीडिंग प्रॉपरली कर सकते हैं, है ना. कैसे, एट करोड़ सेवेंटी टू लैक थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी वन. कैसे रीड करोगे आप, हम पीरियड्स के अकॉर्डिंग रीड करते हैं ना. एट करोड़ सेवेंटी टू लाख थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी वन. ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ऐसे आपको होल नंबर्स क्या करने हैं, ये चार्ट में लिखने हैं. अब सेकेंड नंबर क्या है, थ्री करोड़ सेवेंटी टू लाख फोर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव, है ना. ऐसे आपको लिखने हैं और इनकी रीडिंग प्रॉपरली करनी है. ओके, इनके नंबर नेम्स मत लिखो, आगे वो क्वेश्चन है इसलिए हम नहीं लिखते. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग नंबर्स इंसर्ट कॉमास टू सेपरेट पीरियड्स एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स. अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो नंबर्स हैं वो कॉमास के द्वारा क्या करते जाने हैं, उनके पीरियड्स कंप्लीट करते जाने कॉमा देके. ठीक है, ये नंबर सेपरेट करने हैं कॉमा देके. ठीक है, सो वन टू थ्री, यहाँ पे फर्स्ट पीरियड कंप्लीट होता है इसलिए फर्स्ट कॉमा देंगे. देन वन टू, सेकेंड पीरियड यहाँ पे कंप्लीट होता है देन सेकेंड कॉमा यहाँ पे देंगे. वन टू, देन थर्ड पीरियड यहाँ पे कंप्लीट होता है इसलिए यहाँ पे कॉमा देंगे. मतलब ये नंबर हम कॉमा देके कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखो. ऐसे हम कॉमा देके इसको राइट करेंगे और इसको रीड कैसे करेंगे, यस, फाइव करोड़ फिफ्टी सेवन लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी वन. और नीचे आपको क्या करना है, ये नंबर यस वर्ड में लिखना है. तो कैसे राइट करोगे आप वर्ड में, देखो फाइव, जब भी आप नंबर नेम राइट करते हो स्टूडेंट, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज कैपिटल. ठीक है, सो फाइव करोड़ फिफ्टी सेवन, फिफ्टी सेवन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी वन. ऐसे नंबर आपको राइट करने हैं वर्ड्स में. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या दिया है, ये नंबर दिया है. ओके, तो अब देखो फर्स्ट कॉमा हम यहाँ पे देंगे, सेकेंड कॉमा हम यहाँ पे देंगे. ठीक है, यहाँ पे हमारे ये नंबर्स के फर्स्ट पीरियड कंप्लीट होता है, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड. तो स्टूडेंट हम ये जो पीरियड्स कंप्लीट कर रहे हैं वो प्लेसेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना. जो पहले थ्री प्लेसेस होते हैं वंस टेंस एंड हंड्रेड, वो फर्स्ट पीरियड में आते हैं, है ना, इसलिए हम फर्स्ट पीरियड के बाद कॉमा देते हैं. देन टेन थाउजेंड और थाउजेंड का प्लेस होता है, उसके बाद हम कॉमा देते हैं. और इसको हम कैसे रीड करते हैं, टुगेदर जो नंबर वन पीरियड में आते हैं
उसको हम क्या करते हैं, टुगेदर रीड करते हैं। ये टू और ये थाउजेंड और टेन थाउजेंड मीन्स थाउजेंड्स के पीरियड में आता है, इसलिए इसको हम टुगेदर रीड करते हैं। इसको भी हम, ये लैक्स के प्लेस में आएगा तो इसको भी हम टुगेदर रीड करते हैं। तो नंबर क्या है, 79,28,341। तो ये आपको लिखना है, जैसे कि मैंने एक आपको सॉल्व करके दिखाया है। देन दिस नंबर 7,82,42,141। ओके, रिपीट आफ्टर मी स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट नंबर 2,52,51,251। देन नेक्स्ट नंबर 4,20,420। 1,75,42,807। 1,25,420। अब देखो जहाँ पे जीरो जीरो है वो आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज 62,38,421। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्या दिया है, वर्ड में नंबर्स दिए हैं, वो हमें न्यूमेरल्स में लिखने हैं। अब देखो कैसे लिखने हैं, 80,40,020। सो हम कैसे राइट करेंगे, तो आपको प्रॉपरली रीडिंग करनी है स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर्स की, देन यू हैव टू राइट द नंबर। ओके, सो 80 लाख, सो यहाँ पे हमारा लाख का पीरियड कंप्लीट होता है, ये आपके ध्यान में तो आना ही चाहिए, है ना, आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो। 80 लाख कंप्लीट हो गया। देन 40,000 मतलब हमारा यहाँ पे थाउजेंड का पीरियड भी कंप्लीट होता है। देन हमारे कौन से प्लेसेस बचते हैं, 100, 10s and 1s, मतलब 1s का पीरियड। 80,40,020, आगे सिर्फ हमें 20 लिखना है, 100 प्लस भी कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए जीरो लिखना है। सो ये हुआ नंबर 80,40,020। देन नेक्स्ट नंबर इज 2,42,00,000। आपको क्या करना है, प्रॉपरली रीडिंग करते जाना और लिखते जाना है। ओके, 2 करोड़, सो करोड़ प्लस पे 2 आ गया। देन 42 लाख, लाख का पीरियड कंप्लीट हो गया। 75,000 का पीरियड कंप्लीट हो गया। 202 हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यूज ऑफ द कलर डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे ये जो कलर किए हुए डिजिट्स हैं, इनकी प्लेस वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी यस आपको करने हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट। तो ये जो नंबर है ना, यहाँ पे आप क्या करो, सिर्फ इन नंबर्स में जो डिजिट्स दिए हैं कलर, उनकी प्लेस वैल्यू लिखो, ये मत करो। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी आपको करने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, 3 कलर, तो इसको, इसकी प्लेस वैल्यू आप कैसे राइट करोगे, तो आपको प्लेसेस पता है, पीरियड्स पता है नंबर्स के, है ना। सो फर्स्ट पीरियड यहाँ पे कंप्लीट होता है, सेकेंड थाउजेंड्स पीरियड यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये कौन सा पीरियड आया, थर्ड लैक्स पीरियड आया है ना, मतलब लैक और 10 लाख। सो 3 कौन से प्लेस पे है स्टूडेंट्स, 10 लाख के प्लेस पे है। 3 × 1 लाख हम करेंगे, 3 लाख के प्लेस पे है, इसलिए 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 is 3 lakhs। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं, जो कलर डिजिट है, उनकी प्लेस वैल्यू ऐसे ही लिखनी है। ओके, क्या करना है, जिस प्लेस पे जो डिजिट है उसके अकॉर्डिंग वो लेना है, इनटू जिस प्लेस पे वो है उतने मल्टीप्लाई करके उसकी प्लेस वैल्यू आ जाती है ना स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स, आपकी नोटबुक बिल्कुल क्लीन एंड टाइडी चाहिए। मैं आपकी नोटबुक स्कूल में मंगाने वाली हूँ चेकिंग के लिए, तो आप नोटबुक एकदम मेंटेन रखो, फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट तक आपका नोटबुक एकदम मेंटेन होना चाहिए प्रॉपर हैंडराइटिंग में, और डे वाइज डेट डाल के आपको प्रॉपर आपकी नोटबुक मेंटेन करनी है। और नोटबुक में मैं जो रोज़ का होमवर्क दे रही हूँ आपको प्रॉपरली करना है, ठीक है। तो आज आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करोगे आपकी नोटबुक में, वो भी क्लीन एंड
नीट हैंड राइटिंग में. ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको चार्ट बताया, वो चार्ट आप कर लो. फर्स्ट क्वेश्चन आप वैसे सॉल्व कर लो, देन ये जो बाकी है वो भी आप प्रॉपरली सॉल्व करो, ठीक है. और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करो. चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.